एलटीटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फरीदपुर विधानसभा से राजा सेठ, जो कि जनसत्ता पार्टी दल के प्रत्याशी हैं। तो यही लॉकडाउन में जो सेवा कार्य, देखिए लॉकडाउन में सभी ने कोशिश करी, ऐसा नहीं कि हम ही कर पाए, सभी ने उड़ता पूरा भारत के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे वो पुलिस का अमला हो या सफाई कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सभी ने, राजनीतिक दल हो, समाज सेवी हो, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूर्णता निभाई और हमने भी उसमें अंग अपना एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई सेवा के भाव। राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे आप अपने को कैसे बेहतर सिद्ध कर पाएंगे? देखिए राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी जो उतरे हैं मैदान में, वो पूर्व में भी एमएलए रह चुके हैं, तो जनता ने उनके कामों को देखा है। जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी, जनता उनके कामों से वाकिफ है और पार्टी के एजेंडे पे तो सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मेरी एक विचारधारा है कि पार्टी का एजेंडा तो सरकार अपने आप लागू करेगी, जिसकी सरकार बनेगी वो अपना एजेंडा लागू करेगी, लेकिन प्रत्याशियों का भी एजेंडा होना चाहिए। भाई हम पार्टी के एजेंडे पे ही चुनाव लड़े ये जरूरी नहीं है, हमारे स्थानीय एजेंडे क्या है। अब जैसे हमने रोजगार की बात रखी है, फरीदपुर के अंदर फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, बरेली के अंदर सीवीगंज में परसाखेड़ा में फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। अब मैं पार्टी के एजेंडे पे बात करूं तो पार्टी अपना काम करेगी, लेकिन जो प्रत्याशी स्थानीय है वो अपना काम करेगा। भाई स्थानीय प्रत्याशी को ही नहीं पता हमारे एजेंडे क्या है और पार्टी के विकल्प पे चुनाव लड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो आप पार्टी के, कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो फिर उनके एजेंडे का प्रचार करेंगे, परसों तीसरी पार्टी में उनके एजेंडे का प्रचार। स्थानीय लेवल पर जो समस्याएं हैं उनको बेस करके चुनाव मैदान में आए हैं। जी जी, स्थानीय समस्या, देखिए एक विधायक जो होता है वो अपनी समस्या, क्षेत्र की समस्या विधानसभा में जाकर रखता, तभी उनका निस्तारण हो सकता। लेकिन अब मैं किसी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड पेश करूं और उसके आधार पर चुनाव लड़ूं, तो ये बिल्कुल जाती होगी जनता के साथ, क्योंकि जिसको अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं पता, अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं पता, भाई अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी बनते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो उनको हम अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे, तब कहीं जाकर वो हमें अपनी नौकरियों के आधार पर रास्ते ढूंढते, कोई किसी आधार पर कैरियर बनाता। और मैंने कहा कि अगर सब अपने अपने रास्ते छोड़ देंगे, राजनीति को छोड़ देंगे, तो राजनीति जिसको लोग कहते हैं ये बहुत खराब चीज है, वो खराब नहीं है, खराब हम जैसे शिक्षित लोग दूर रहते हैं उन्हें खराब लगती है। भाई आप नहीं बैठोगे तो अशिक्षित बैठेगा, इस कुर्सी को संभालना, या तो शिक्षित संभाले, और शिक्षित संभालने की अगर हिम्मत नहीं है, शिक्षित डरता है कि मुकदमों से डरना है, संघर्ष से डरना है, लड़ाइयों से डरना है, झगड़ों से डरना है, तो फिर अशिक्षित चलाएंगे, फिर आप कैसे ब्लेम करोगे। आप आइए राजनीति में लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, सेठ साहब आप हमारे एलटीटी न्यूज ऑफिस में आए जी, धन्यवाद। नमस्कार, आपका एलटीटी न्यूज में स्वागत है जी। नमस्कार, आप फरीदपुर विधानसभा से जनसत्ता दल के प्रत्याशी हैं, आपके क्या एजेंडे हैं चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो हमारा एजेंडा जो है वो रोजगार का है, क्योंकि बरेली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता चला जा रहा है और आप देख भी सकते हैं पहले से और आपके मुकाबले, जब से लॉकडाउन लगा था तब से अब आप देखेंगे कि जो लोग हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, भुखमरी के कगार पे लोग पहुंच चुके हैं। कोई हरियाणा था, कोई पानीपत था, या अपने प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे, उसी प्रकार से बरेली के भी स्थिति ये थी कि जब से लॉकडाउन लगा लोग अपने घरों पे वापस आए और स्थिति बड़ी दयनीय हुई। तो हमारी कोशिश है, हमारा एजेंडा जो है जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो है रोजगार का, क्योंकि विकास की तो बातें सभी करते हैं और सभी पार्टियों के एजेंडे, लेकिन हमारा एजेंडा है जो जितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इन फैक्ट्रियों में 75% लोग स्थानीय लिए हैं। आप अपनी चुनाव की तैयारी कब से कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी तो चली रही थी, वैसे हमारी सेवा नीति है,
और हम लगातार सेवा कई वर्षों से कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, और अभी उससे पहले हमने हाल ही में जिला पंचायत चुनाव भाई को अपने दीपक सेठ जी को लड़ाया था गोता ब्लॉक से फरीदपुर विधानसभा में, वो भी 6128 वोटों से जीत कर आए। चुनाव की रणनीति किस तरीके से बनाई है चुनाव जीतने की? चुनाव की रणनीति तो जो लड़ता है उसकी रणनीति तो रहती है, लेकिन हमारी जो है वो रणनीति जनता के ऊपर है और हमारे कार्यकर्ता जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जनता के सामने अपना एजेंडा पेश किया जाएगा, जनता के सामने अपनी बात रखी जाएगी, जनता स्वीकारेगी तो हमारी रणनीति जरूर कामयाब होती है। रणनीति तो कार्यकर्ताओं के ऊपर होती है, हम तो रणनीति यह है कि क्षेत्र में लोगों को लगाया है, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, उसके आधार पर काम किया जा रहा है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान काफी समस्याएं रही जनता के लिए, उस दौरान भी आपने समाज सेवा का कार्य किया है, उन समाज सेवाओं की कुछ चर्चा चाहता हूं। जी, उन समाज सेवाओं हमारे कार्यकर्ताओं ने कई जगह जैसे राशन के रूप में सेवा कार्य किए, और कहीं जहां लोगों को जरूरत हुई वहां लोगों से संपर्क किया और उनकी गरीबों की मदद।